लगातार बाहर के लोगों के मैं कश्मीर का राज्यपाल कहा हूँ मैं पहले जब था तब कुछ नहीं हो रहा था, ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। वो मेरा बोलना ठीक नहीं, उसका आप एनालाइज करो उस चीज को। दूसरा सर, किसानों का जो मुद्दा है, लगातार चीजें बढ़ रही हैं, अभी भी कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा, तो क्या लग रहा है सर, इसका क्या नतीजा निकलना चाहिए और क्या हो सकता है इसमें? अगर सरकार MSP को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे, तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? MSP के बिना तो किसानों की हालत भी नहीं। MSP के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। MSP आज का नहीं है। MSP जिस कांग्रेस की सभा में चरण सिंह जी ने जवाहरलाल का विरोध किया था, उस जमाने से MSP की बात पास हुई हुई है। तो किसानों की हालत सुधरने का एक ही है कि उनके MSP होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको। वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे, उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। आपसे कभी कोई बीच में मीडिएटर बनने के लिए या कभी सरकार ने कभी कुछ किया? सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार वालों से मैं झगड़ा कर चुका हूँ, कह चुका हूँ आप गलत रास्ते पे हो, आप इसको सॉर्ट आउट करो। और खास तौर से सिखों के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं। वो तो जब उन पे राज भी नहीं था, निहत्थे गुरुओं ने पूरी मुगल सम्राट से लड़ाई लड़ी, तो उनको तंग नहीं करना चाहिए। कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए मेरा बोलना ठीक लगेगा? आप बोलो।